ब्यावर के तेजाजी के मेले में नकली नोट चलाते एक महिला सहित दो युवकों को गिरफ्तार करने में सिटी थाना पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से 500 रुपए के नकली नोटों के रूप में 45,000 रुपए की नकदी सहित उससे खरीदा गया सामान जब्त किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है तथा नोट कहां से आए इस बारे में जानकारी जुटा रही है। सिटी थाना अधिकारी बुधाराम खिलेरी ने बताया कि मेले के दौरान माकूल पुलिस व्यवस्था एवं असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के लिए SP नरेंद्र सिंह एवं ASP ब्यावर मनीष कुमार के निर्देशन में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। सिटी थाना अधिकारी खिलेरी को मेले में गश्ती के दौरान आसूचना मिली कि दो व्यक्ति जो कि मेले की भीड़ का फायदा उठाते हुए नकली भारतीय नोटों का संचालन कर रहे हैं। सूचना मिलने के साथ ही मेले में पुलिस जवानों को चाकचौबंद किया गया तथा मेले से युवक सुरेंद्र सिंह व दीपक सिंह को डिटेन किया जाकर दोनों की तलाशी ली गई। उनके कब्जे से पुलिस को 500 रुपए के 76 नोट यानी 38,000 रुपए भारतीय नकली नोट जब्त किए गए। दोनों युवकों द्वारा मेले में नकली नोट का प्रयोग असली के रूप में किया जाकर प्राप्त की गई असली भारतीय मुद्रा 3600 रुपए तथा क्रय किया गया सामान भी जब्त किया गया। अभियुक्त दीपक सिंह व सुरेंद्र सिंह द्वारा नकली नोट श्रवणी उर्फ सोनिया ने प्राप्त करना बताया गया, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने श्रवणी उर्फ सोनिया को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से भी 14 नोट 500 के भारतीय नकली नोट के जब्त किए गए हैं। इस प्रकार आरोपी गैंग के कब्जे से कुल 500 रुपए के 90 नोट यानी 45,000 की जाली भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ के दौरान सामने आया कि मेले के दौरान भीड़ होने के कारण भारी तादाद में सामान बेचने वाले फुटकर व्यापारी आते हैं। भीड़ होने से व्यापारी नोट द्वारा नोट पर ज्यादा गौर नहीं किया जाने के कारण चलते फेरी लगाने वाले व्यापारियों को 500 रुपए का नकली नोट दिया जाकर 100 या 50 रुपए का सामान क्रय किया जाकर तथा सामान व बाकी असली रकम एकत्रित कर लेते हैं। गिरफ्तार आरोपियों में भंवरिया पाटन पुलिस थाना रास निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र घीसू सिंह रावत एवं दीपक सिंह पुत्र शंकर सिंह रावत तथा श्रवणी उर्फ सोनिया पत्नी किशन सिंह रावत शामिल है। पुलिस आरोपियों से नकली मुद्रा कहां से वे किस प्रकार से प्राप्त की गई तथा कहां से यह राशि आ रही है इस विषय में गहनता से अनुसंधान में जुटी है। सूचना मिली कि कुछ लोग नकली नोट चला रहे भारी भीड़ का फायदा देखकर। सूचना के अनुसार बड़े जुल्मों के पास मैं स्टाफ के पहुंचा तो वहां दो लड़के पुलिस को देख के भागने लगे। मुखबिर सूचना अनुसार उनको काबू में करके तलाशी ली गई तो उनके पास 76 नोट मिले जो नोटों के मानकों के अनुसार नकली पाए गए। उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कुछ सामान हमने यहाँ ख़रीदा है और उनके पास असली नोट भी मिले। जैसे असली नोट देकर के 500 रुपये के 100 रुपये का सामान खरीदा, 400 रुपये वापिस असली ले लिए तो वो नोट भी मिले, सामान भी जब्त किया गया। कुछ सारा नोट कहाँ से लाए तो इतने बताया कि श्रवणी उर्फ सानिया वाइफ ऑफ किशन सिंह राउत उससे हम लाए हैं, जो एक मुलजिम दीपक राउत की सगी मौसी है और उसके साथ में जो सुरेंद्र सिंह नाम का लड़का पकड़ा गया। ये तीनों जाति राउत निवासी भौजिया पाटन पुलिस थाना रास के हैं